नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के नाती विवेक तिवारी बबला आज पंचतत्व में विलीन हो गए। जी हाँ, पिछले दिन उनका दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया था। आज उनको विशेष विमान से रीवा के चौराहा लाया गया, वहां से उनको उनके निज निवास पर ले जाया गया। उसके बाद यात्रा चालू हुई उनके गृह ग्राम तिवनी के लिए, जहां पर उनके पुत्र ने उनका अंतिम संस्कार किया। मैं विवेक तिवारी के बारे में आपको बता दूं, किसी जमाने में वो कार्य परिषद के सदस्य रहे रीवा विश्वविद्यालय के, साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी वो रहे। विधानसभा चुनाव को उन्होंने 2013 में लड़ा था, जहां पर वो देवराज सिंह से चुनाव हार गए। विवेक तिवारी मिलनसार व्यक्ति थे, लोगों से वो हमेशा हंस के मिला करते थे, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनका असमय जाना रीवा के गलियारों में लोगों को, हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह बात समझ में नहीं आ रही, असमय 46 वर्ष की उम्र में उनका निधन अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण घटना कही जा सकती है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से श्रीनिवास तिवारी के परिवार में लगातार निधन हुआ, पहले श्रीनिवास तिवारी का निधन हुआ, उसके बाद उनके पुत्र सुंदरलाल तिवारी पूर्व सांसद रीवा उनका भी निधन हुआ। अब विवेक तिवारी का निधन तिवारी परिवार में राजनीतिक रूप से एक शून्यता की बात कही जा सकती है। हालांकि सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी ने पिछला यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब जिस तरीके से आज एक बड़े नेता या बड़े परिवार में एक दुखद घटना हुई है, ये अपने आप में रीवा शहर के लिए काफ़ी दुखदायी है। आइए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ श्रीनिवास तिवारी के नाती विवेक तिवारी के रीवा चौराहा हवाई अड्डे से लाकर उनके घर ले जाने और उसके बाद तिवनी उनके ग्राम ले जाने से उनके अंतिम संस्कार के कुछ प्रमुख अंश आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे जाएंगे।
इधर से नहीं आना है, बस घूम के घूम के बस घूम के 5 मिनट आउट बस घूम के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।